और इधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही संविधान में संशोधन कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। तो एक तरफ इंडिया आरक्षण किस लिए दिया जाता है, उन कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई है उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस पर हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है, और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसने अपना खून देकर इस देश को आजाद नहीं कराया था? ये मुसलसल इनकी हताशा और निराशा दिखाई दे रही है कि ये चुनाव को फिर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। इधर अमित शाह इन दिनों मिशन यूपी पर हैं, जहां वो एक दिन में बैक टू बैक तीन तीन जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 5 चरण में ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो चुकी है। साथ ही 4 जून के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी का प्लान भी बता रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चुनावी समर का ये आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जब आसमान से आग बरस रही थी, तब अमित शाह विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी का कार्यक्रम क्या है आप लोगों को मालूम है? नहीं है, जानना है? 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। चाहे सिद्धार्थ नगर हो या अंबेडकर नगर, अमित शाह ने हर मंच से कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? आपने 2017 में भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। ये जो शहजादे वाली टीम बनी है, यही आपको शहजादे और यही मात देने का काम करेगी इस बार। और ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर के 1-1-11 हो गए हैं, और जौनपुर वाले जानते होंगे, इनके दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं, सामने के नहीं टकरा रहे हैं। यूपी में 27 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, जिसके लिए तमाम पार्टियां चुनावी रण में दम दिखा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन 80 के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश पर डायरेक्ट हमला बोलते हुए कह रहे हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवाया। जो लोग 400 बार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। वार पलटवार लगातार जारी है, बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है, क्योंकि 4 जून को चुनाव की असली हकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और अमित शाह ने कांग्रेस पर हमलावर करते हुए कहा कि इन लोगों की मानसिकता है कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो क्या हम पीओके दे देंगे। शाह ने कहा कि बमों से देश के मसले हल नहीं होते, देश के मसले नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं हल। जो मोदी जी इन लोगों की मानसिकता देखिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है। मोदी जी यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी।